जो है कई सूत्रों से पता लग रहा था कि गांव में जो झोला छाप डॉक्टर बैठे हुए हैं वो गरीब जनता को परेशान करके ज़्यादा पैसे उनसे वसूल रहे थे, और तमाम इस तरह के रोग थे जिनका इलाज उनके द्वारा संभव नहीं, उनका भी इलाज किया जा रहा था। लोकल के रहने वाले होते हैं वहाँ के लोग अपना दबाव डलवाते हैं, नेतागिरी करते हैं, ये तो प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी मैंने उनको अपने स्तर से आश्वस्त कर रखा है कि अगर आप ये काम नहीं कर पा रहे तो आपको रहने का अधिकार नहीं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सलोनी कश्यप और आप देख रहे हैं नापतोल न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश बरेली शहर के जिला अस्पताल में, जहां हम बात करें कि लगातार जहां झोला छाप डॉक्टर लोग बैठे हुए हैं और 900 जनता से अवैध रूप से वसूली करते हैं, उसी विषय में लेकर आज हम CMO से बात करेंगे कि आखिर ये जो लोग कर रहे हैं अवैध रूप से वसूली, बरेली की जनता को, आम जनता को पागल बना रहे हैं, इसको लेकर उन्होंने एक अभियान चलाया, वो अभियान कहां तक इस समय पहुंचा है और आगे कहां तक चलेगा, और जो लगातार जिला अस्पताल की भी खबरें सामने आ रही हैं लापरवाही की, उस लापरवाही पे कितनी रोक लगाई जाएगी, तो बने रहिए नापतोल के साथ। जी सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर इस समय आप जो अभियान चला रहे हैं सर, थोड़ा उसके बारे में जानकारी दीजिएगा। एक्चुअली मुझे कई सूत्रों से पता लग रहा था कि गांव में जो झोला छाप डॉक्टर बैठे हुए हैं वो गरीब जनता को परेशान करके ज़्यादा पैसे उनसे वसूल रहे थे, और तमाम इस तरह के रोग थे जिनका इलाज उनके द्वारा संभव नहीं, उनका भी इलाज किया जा रहा था। तो इस संदर्भ में मैंने टीम गठित करके हर ब्लॉक पर पहले ये प्रयास किया कि वहाँ पर जो लोकल हमारे अधीक्षक महोदय हैं वो इस पर अंकुश लगाएँ, लेकिन मुझे लगा कि वहाँ पर लोग इतने प्रभावी रूप से काम नहीं कर पा रहे हैं, तो मैंने खुद इस कमान को संभाला और मैं कई ब्लॉक में जा करके जहाँ जहाँ की शिकायतें मिल रही थी, मैं और मेरे साथी डॉक्टर हरपाल सिंह जो यहाँ के नोडल हैं उनको भी मैंने साथ लेके गया। तो मैंने इस अभियान चला रखा है और ये अभियान लगातार चलता रहेगा जब तक कि लोगों को झोला छाप को हम बंद नहीं कर लेंगे, जो ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं वो बंद नहीं हो जाएगी। जैसे कि सर आपने अभी बताया कि कुछ लोग थे जो इस काम को जिम्मेदारी से नहीं कर पा रहे थे, इसको लेकर आप खुद इस मैदान में उतरे हैं, तो सर जो लोग अपना काम जिम्मेदारी से नहीं कर पा रहे थे उनके लिए आपने क्या कार्यवाही की? एक्चुअली बात ये होती है, लोकल के रहने वाले होते हैं वहाँ के लोग अपना दबाव डलवाते हैं, नेतागिरी करते हैं, ये तो प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी मैंने उनको अपने स्तर से आश्वस्त कर रखा है कि अगर आप ये काम नहीं कर पा रहे तो आपको रहने का अधिकार नहीं। अच्छा सर, लगभग कितने अस्पतालों को आपने रोक लगा दी है इस समय? करीब करीब 25 अस्पताल हमने बंद कर रखे हैं इस समय, और कम से कम 5 अल्ट्रासाउंड को इस अभियान के दरमियान बंद किया है और एक प्रक्रिया जारी चलती रही। सर बहेड़ी का और एक आपका फरीदपुर का मामला सामने आया, सर उस विषय में क्या कुछ कहना चाहिए? बहेड़ी में मैं इसलिए गया था, वहाँ किसी झोला छाप डॉक्टर ने डॉक्टर साहब से अभद्रता की थी और उन्होंने कागज लगा छीनने का प्रयास किया था, तो मैं इसलिए गया था कि उन्हें ये एहसास हो जाए कि कानून सबसे बड़ा है, कानून के दायरे में लेकर काम करें। सर जिस जिला अस्पताल के कुछ मामले सामने आ रहे हैं जिसमें लेकर स्टाफ की कुछ लापरवाहियां भी सामने आई हैं, सर उसको लेके क्या कहेंगे आप? इस संदर्भ में मैंने मुख्य चिकित्सा अधीक्षक से वार्ता करी है और जहां पर भी कोई शिकायत हो रही है, जहां महिला चिकित्सा अधीक्षक से मैंने बात की है, और जो समस्याएं आ रही हैं उनका अच्छे निराकरण कराया जाएगा ताकि जनता को सही प्रकार से स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर बरेली की जनता को आप अपनी ओर से कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं जितना भी हो सकता है भरसक प्रयास करूँगा अपनी जनता के लिए, जितनी सरकार की योजना है सबका लाभ उनको मिले, और गलत तरीके से जो गलत हाथों में फंस जाते हैं झोला छाप डॉक्टरों वहाँ न फंसें। मेरा आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध भी है कि आप जनता को थोड़ा जागरूक करें कि बीमारियाँ अगर कोई होती है तो जिला चिकित्सालय में जाकर दिखाएं, यहाँ पर सारी सुविधाएं मुफ्त और फ्री हैं और कायदे से यहाँ पर इलाज भी हो रहा है। सर आगे अगर कोई भविष्य में लापरवाही करता है तो उसके खिलाफ आप क्या एक्शन लेंगे? यदि कोई इस तरह की दोबारा लापरवाही पाई जाती तो उसको जांच करके दंडित किया जाएगा। सर एक कुछ समय पहले एक एम्बुलेंस को लेकर मामला सामने आया था जिसमें आपसे रिपोर्ट मांगी गई थी, सर उस विषय में क्या कुछ कहना चाहिए? एम्बुलेंस के बारे में ये शिकायत मिली थी कि एम्बुलेंस कुछ खराब हालत में थी जिसकी हमने जाँच कराई थी, जिसकी रिपोर्ट हमने शासन को भेजी, और अच्छी बात है ये बताने की कि हमारे पास 6108 की नई एम्बुलेंस सरकार ने मुझे दे दी, जो पुरानी वाली एम्बुलेंस उनको हमने हटा दिया और नई वाली इसमें बिड़े में शामिल हो गई।